गोरखपुर में ऑल इंडिया आशा बहु कार्यकत्री कल्याण सेवा समिति की राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदा यादव के नेतृत्व में शुक्रवार को नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में सैकड़ों की संख्या में पहुंची आशा बहुओं ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान आशा बहुओं ने पैदल जुलूस निकालकर सीएमओ कार्यालय पहुंची और अपने 7 सूत्रीय मांगों के संबंध में प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदा यादव ने बताया, हम लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आंदोलन रैली के माध्यम से मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को और जिला महिला अस्पताल में हम लोग SIC महोदय के कुछ जिला महिला अस्पताल की समस्या थी गर्भवती लाभार्थी महिलाओं का, तो उसके लिए हम लोग ज्ञापन दिए हैं। और ज्ञापन इसलिए दिया गया है, आज ये धरना प्रदर्शन चल रहा है एक दिवसीय, कि जो प्रधानमंत्री वंदन योजना था जो गर्भवती महिलाओं को 5,000 रुपया मिलता था, इस योजना को आंगनबाड़ी विभाग को दे दिया गया। जब लक्ष्य नहीं पूरा होता था, कम पैसे मिलते थे, तो आशा बहने घर घर दौड़ दौड़ के जो है जिनको पहला बच्चा रहता था वो फार्म भरती थी, उनको कम पैसा दिया जाता था। जब लक्ष्य पूरा हो गया, सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी प्रोत्साहन को बढ़ाए, तो ये झट दे उठा के आंगनबाड़ी विभाग को दे दिए। और 2018 से एक पैसा ना तो आशा बहनों को मिला है, ना संगिनी बहनों को मिला है, हमारे कुछ लाभार्थी भी बाकी हैं जो 5,000 उनको नहीं मिला है। हम ये चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और अपने स्वास्थ्य विभाग से कहना चाहते हैं कि जो योजना है सरकार स्वास्थ्य विभाग को वापस करे, और जो भुगतान बकाया है वो सारे भुगतान होना चाहिए। अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो अगले माह अक्टूबर से हम लोग सारे कार को बहिष्कार करेंगे और कलम बंद हड़ताल करेंगे और रोड पर निकलने का काम करेंगे और काफी आंदोलन आगे को बढ़ाएंगे और एक भी कार्य हम लोग नहीं करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी से बार बार धरने के माध्यम से दिल्ली से लेकर लखनऊ तक जिले तक हम लोग कूच करते रहे, अपनी पीड़ा सुनाते रहे, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कान में जुआ नहीं रेंगा है कि कोई बात तो हम लोग की सुन रहे हैं। हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार किए, जो हम लोग काम कर रहे थे जो भी कम प्रोत्साहन मिल रहा था वो भी आंगनबाड़ी विभाग को दे दिए। ये उनकी मनमानी सरकार की हम नहीं चलने देंगे, जब तक कि हमको फीस मान दे और वेतन निर्धारित नहीं करेंगे, ये प्रधानमंत्री योजना को ये आशाओं को फिर वापस नहीं करेंगे, तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे और अगले माह से एक भी कार्य हम नहीं करेंगे।